लोग आज पढ़ेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। एल्कोहल फिनॉल ईथर देखिए क्या है, एल्कोहल फिनॉल और ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर में हमको पढ़ना क्या है, एल्कोहल भी पढ़ना है, फिनॉल एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। इसमें पढ़ना है एल्कोहल फिनॉल ईथर होते क्या है। आपको बताया गया था कोई एल्केन अगर है, कोई एल्केन, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, माइनस कैच हो जाए, बनेगा क्या CH3 के साथ OH, तो इसको हम लोग कहेंगे एल्कोहल। अर्थात किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु अगर हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ये कहलाएगा आपके पास एल्कोहल। अगर हमारे पास इसी प्रकार से बेंजीन रिंग है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, इसका अगर एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाए तो बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक होगा वो कहलाएगा क्या, फिनॉल, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे फिनॉल। ईथर क्या होता है, ईथर मतलब होता है अगर कोई एल्कोहल है जैसे R और OH, ये एल्कोहल है, इसका हाइड्रोजन परमाणु, इसका भी हाइड्रोजन परमाणु अगर किसी समूह के द्वारा, किसी एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह के द्वारा अर्थात R, O और H हट जाने तो बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो कहलाएगा क्या, ईथर। तो एल्कोहल और फिनॉल ईथर आपके यहां है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा तो बनने वाला होगा एल्कोहल, अगर किसी फिनॉल मतलब बेंजीन का अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा, बनेगा फिनॉल। और फिनॉल के बाद अगला आता आपके पास क्या, ईथर। ईथर क्या होता है, अगर किसी एल्कोहल का चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, उसका अगर एक हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो कहलाता है ईथर, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आइए देखते हैं हम लोग वर्गीकरण को, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए एल्कोहल के अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है इसका, एल्कोहल और फिनॉल ईथर का वर्गीकरण किया गया है, कुछ कंडीशन बनाया गया। पहला बताएगा क्या, अगर हम लोग के पास हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, ने पहला इसका प्रवृत्ति है, इनके वर्गीकरण का पहला काम है हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर। यह पास OH समूह है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, OH समूह के संख्या के आधार पर। OH समूह के संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या मतलब हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी है, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या आपके पास एक होगी तो इसके आधार पर बांटा गया इनको तीन भागों में, क्या हो गया, एक कह सकते हैं आप मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब क्या, अगर हम लोग देखें तो पहला हो सकता है आपके पास मोनोहाइड्रिक, मोनो मतलब होता है एक, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन होता है भाई, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब होता है वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी हो, एक हो, अर्थात जैसे लगा हुआ है इस तरह से लिखते हैं CH3 हो गया, CH3 के साथ एक OH लगा हुआ है, ठीक है। आगे हो सकता है आपके पास लिखा गया हो CH3 CH2 और उसके साथ एक ऐसे OH लगा हो, तो इस प्रकार से कहीं पर अगर आपको हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या एक देखने को मिले तो उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अगला होता है इसी प्रकार से कहेंगे क्या, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा बनाया जा रहा है आपके पास क्या, दूसरा कंडीशन दूसरा होगा आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई मतलब हो गया दो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कौन होते हैं, वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी हो, दो।
ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या आपको दो या दो से बिल्कुल दो देखने को मिले, जैसे OH हो गया, एक बार और आ गया CH2 है, यहाँ पर भी OH हो गया, तो ये कहलाएगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या अगर दो देखने को मिल रही है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ये भी आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो सकता है, CH2, CH2 और ये OH। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या एक होती है उनको कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या दो होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अगला आता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, अगर देखें ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कौन है, ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी हो, तीन हो। ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या आपको तीन देखने को मिले, जैसे लिखा जा रहा है आपका CH3 एग्जांपल में, आपका ये हो गया CH3, CH3 के साथ आपका क्या हो गया, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ CH है, एक बार OH हो गया, CH हो गया, फिर से OH हो गया, आगे हो गया CH2 है और एक OH और ऐसे देखने को मिला, तो इस एल्कोहल को हम लोग कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगला आता आपका लास्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई को आप पॉली में भी पढ़ सकते हैं, चौथा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कौन होंगे, जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, मोर देन थ्री, जैसे हमारे पास लिखा जा रहा है CH3 है, या फिर आप ऐसे लिखो CH हो गया 2, OH हो गया, अगला आ गया CH2, सॉरी CH, CH के साथ फिर से OH हो गया, फिर से आपके पास CH है, OH हो गया, CH2 है और OH हो गया। इस प्रकार से हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या जब तीन से अधिक होने लगेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। वर्गीकरण का अगला तरीका जो है वो क्या है, वर्गीकरण का अगला तरीका आपको बताया गया sp3 संकरण के आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर नहीं, sp3 संकरण मतलब क्या होता है, जैसे जो भी हाइड्रोकार्बन है अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच आपको एकल बंध देखने को मिले ऐसे, तो इसका मतलब इस कार्बन परमाणु पे आपको क्या मिलेगा वो कहलाएगा आपका sp3 संकरण। अगर कार्बन कार्बन परमाणु से खाली एकल बंध लगे हैं, सब सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं, तो वो कहलाएगा उस कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होगा, ठीक है। तो sp3 संकरण देखा जाए किसके ऊपर हो, हमारे पास जिस हाइड्रोक्सिल समूह जो लगा हुआ है उस हाइड्रोक्सिल समूह वाले कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण अगर देखा जाए उसके आधार पर वर्गीकरण बनाया गया। इसको भी बांटा गया कितने भागों में, तीन भागों में। पहला कहलाया आपके पास क्या sp3 संकरण के आधार पर अगर देखा जाए इनको बांटा गया है तीन भागों में, उसमें क्या है कार्बन परमाणु की प्रकृति, ठीक है। पहला कह रहे हैं आपका कार्बन परमाणु की प्रकृति, नहीं कार्बन परमाणु की प्रकृति, कार्बन परमाणु की प्रकृति, कार्बन परमाणु की प्रकृति का अर्थ है इसमें कार्बन परमाणु आपका प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, उसके आधार पर इनको बांटा गया। जैसे आप लोग को पढ़ाया गया है कार्बन परमाणु पहचानने के लिए कि ऐसे लिखा हो CH3 सी है, CH3 है, यहां भी CH3 लगी हुई है, आपका CH3 हो गया और आपका CH2 है और ये CH3 अगर इस प्रकार के यौगिक बने हो तो उसमें आपको बताया गया था वह कार्बन परमाणु जिसकी एक संयोजकता किसी अन्य कार्बन परमाणु से संतुष्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु, और वह कार्बन परमाणु जिनकी दो संयोजकताएं कार्बन परमाणु द्वारा संतुष्ट होती है उनको क्या कहते हैं द्वितीयक। वे कार्बन परमाणु जिनकी तीनों संयोजकताओं पर इस प्रकार से आपके पास क्या होगा कार्बन परमाणु उपस्थित हो उनको हम लोग कहते हैं तृतीयक कार्बन परमाणु, और वे कार्बन परमाणु जिनकी चारों संयोजकताएं अगर किसी अन्य कार्बन परमाणु समूहों के द्वारा जुड़ी होती हैं या फिर एल्किल समूहों के द्वारा जुड़ी हो उनको कहते हैं चतुष्क, ठीक है। तो प्राथमिक भी होता है, ठीक है, प्राथमिक है, प्राथमिक के बाद आपके पास द्वितीयक भी होती है, द्वितीयक है,
द्वितीयक के बाद आपको क्या आ गया तृतीयक, इसको कहते हैं तृतीयक। तृतीयक के बाद आता है आपका चतुष्क। तो ये कार्बन परमाणु की प्रकृति है कि कार्बन परमाणु प्राथमिक भी हो सकते हैं, कार्बन परमाणु द्वितीयक भी हो सकते हैं, और कार्बन परमाणु तृतीयक और चतुष्क हो सकते हैं। इसके आधार पर यही कार्बन परमाणु की जो प्रकृति है उसके आधार पर बांटा गया फिर से एल्कोहल को कितने भागों भाई, तीन भागों में। कौन कौन से तीन में, आप पहला कह सकते हैं इसमें प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, पहला हो गया प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल कौन हो गया, ऐसे एल्कोहल, ठीक है, ऐसे एल्कोहल मतलब क्या होगा, ऐसा एल्कोहल जो प्राथमिक कार्बन परमाणु से लगा हो। प्राथमिक कार्बन परमाणु मतलब क्या हो गया, ऐसे जैसे लिखा हुआ CH3, CH2 और OH, आप इसको प्राथमिक एल्कोहल कह सकते हैं। कारण क्या है कि यह कार्बन परमाणु जो है जिससे हाइड्रोक्सिल समूह लगा है वह प्राथमिक होना चाहिए। प्राथमिक कैसे, इससे एक और कार्बन लगा इसलिए इस कार्बन को हम प्राथमिक कहेंगे। ऐसा नहीं आपने ऐसे लिख दिया CH3 है और आपने OH लिख दिया तो सर जी ये प्राथमिक एल्कोहल नहीं, ये कहलाएगा मेथिल एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का अर्थ क्या है, जिसमें जिस कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोक्सिल समूह लगा हो, ठीक है, उसके साथ अगर एक और कार्बन आपको देखने को मिले तो आपके पास वो कहलाएगा वो एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल, और ऐसा कार्बन प्राथमिक कार्बन होता है। तो कहने का अर्थ यह है अगर प्राथमिक कार्बन परमाणु से आपको हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ मिले उस एल्कोहल को आप प्राथमिक एल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे ऐसे एक और बन गया CH3 हो गया, CH है, यहां पर भी आपने CH3 लगा दिया, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH, तो यह भी एक प्रकार का प्राथमिक एल्कोहल। क्यों, क्योंकि यह कार्बन परमाणु आपका प्राथमिक कार्बन परमाणु है। प्राथमिक कार्बन परमाणु क्यों है, क्योंकि इससे केवल एक कार्बन परमाणु, इनको नहीं ये तो दूर है, इनसे केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा इसलिए प्राथमिक कार्बन, और प्राथमिक कार्बन से अगर हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक, ठीक है। इसी प्रकार से अगला आता है आपके पास क्या, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल हो गया आप द्वितीयक एल्कोहल कह सकते हैं, दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल कौन होगा भाई, द्वितीयक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, ठीक है, वह द्वितीयक हो, अर्थात उसके साथ एक एल्किल समूह इधर भी लगी हो, एक एल्किल समूह इधर भी लगी हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल मतलब जिसकी दो संयुक्ताओं पर एल्किल समूह उपस्थित हो, मेथिल हो, एथिल हो, कुछ भी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप दोनों को R लगा सकते हैं, जैसे R हो गया, C हो गया, H है, R, R का अर्थ होता है एल्किल समूह और ये हो गया OH। तो यह द्वितीयक कार्बन परमाणु क्या बना आपका, यह जो कार्बन परमाणु है वो द्वितीयक कार्बन परमाणु, और द्वितीयक कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, द्वितीयक कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। अगला आता है क्या, तृतीयक एल्कोहल। अगर तीसरी बार देखें तो हमारे पास एक और एल्कोहल आ रहा है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल कौन होते हैं, तृतीयक एल्कोहल का अर्थ हो गया अगर हाइड्रोक्सिल समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, नहीं, तृतीयक कार्बन परमाणु कौन हो गया, यह जिसके साथ बिल्कुल OH, इसके साथ तीन एल्किल समूह R, R और R, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 इधर भी हो गई, C हो गया, CH3 इधर भी हो गई, CH3 इधर भी हो गया और ये हो गया OH। तो एग्जांपल क्या बताता है कि अगर हाइड्रोक्सिल समूह, जो भी हाइड्रोक्सिल समूह है वो अगर तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल। सुनिए क्या हो गया, कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, कार्बन परमाणु प्राथमिक भी हो सकते हैं, कार्बन परमाणु द्वितीयक हो सकते हैं, कार्बन परमाणु तृतीयक हो सकते हैं, कार्बन परमाणु चतुष्क हो सकते हैं, लेकिन चतुष्क एल्कोहल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जब कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं पर एल्किल समूह लग जाएगा, बिल्कुल चारों जगह पर जब एल्किल समूह लगा जाएगा
तो इसके बाद OH लगने के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्बन की संयुक्तता चार होती है। अब ऐसा तो है नहीं, नहीं सर जी हम एक OH इसके साथ और लगा देंगे हमारा चतुष्क एल्कोहल बन जाएगा, नहीं। चतुष्क एल्कोहल क्यों नहीं होते, चतुष्क कार्बन परमाणु है लेकिन चतुष्क एल्कोहल नहीं संभव है। उसका खाली कारण यह है कि भैया जिस कार्बन परमाणु के साथ अगर हमारे पास चार एल्किल समूह लग जाए उनकी चारों संयुक्तताएं पूर्ण हो जाएंगी, जो चारों संयुक्तताएं इसकी पूरी हो गई इसका मतलब यहां पर OH समूह नहीं लग सकता, यह संभव नहीं, अर्थात चतुष्क एल्कोहल जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। ठीक है, हटा दे रहे इसको, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन परमाणु। तो इसी के आधार पर एल्कोहल को बांटा गया है कितने भागों में, तीन भागों में। कौन कौन से हो गए, एक हो गया कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक एल्कोहल, कैसे पढ़ेंगे, यदि हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यदि हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा तो प्राथमिक एल्कोहल, यदि हाइड्रोक्सिल समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। यदि हाइड्रोक्सिल समूह आपके पास क्या होगा, ऐसे ये भी द्वितीयक है, दो एल्किल समूह द्वितीयक से जुड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सिल समूह इस प्रकार से तृतीयक कार्बन परमाणु, तृतीयक है ना, तृतीयक कार्बन परमाणु, इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह और इधर भी एल्किल समूह, अगर ऐसे तृतीयक कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, जब आपका एक क्वेश्चन है वहां पर पहचानना भी है, दिया गया आपके पास C5 है H12 और O, C5 H12 और O ऐसे लिखा हुआ, C5 H12 O के सभी प्राथमिक एल्कोहल, मतलब क्या होगा, सभी एल्कोहलों की संरचना बनानी, इसके कुल कितने समावयवी होंगे, इसके कुल एल्कोहल समावयवी पूछे गए हैं, एल्कोहलों के कितने समावयवी होंगे, नहीं एल्कोहल समावयवी, ठीक है, एल्कोहल समावयवी पूछा गया है, और उसके साथ साथ पूछा गया है आपको बताना कि कौन सा प्राथमिक होगा, कौन सा द्वितीयक होगा और कौन तृतीयक होंगे, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में इनको वर्गीकृत भी करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका क्या 11 पॉइंट जो है वो 3 है, 11.3 में ऐसे दो ऑप्शन दिए गए, पहला क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसके कुल कितने समावयवी होंगे और इसे पहचानना क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में इसको वर्गीकृत करना है, तो वर्गीकरण का ये तरीका आपका हो सकता है। ठीक है, बनाइएगा आप लोग, फिर हम आगे बताएंगे। अगला वर्गीकरण का दूसरा तरीका क्या था भैया, ये तो हो गया कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर आपको बता दिया गया। अगला कहलाता है आपका क्या, एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक और एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, देखिए एलिलिक एल्कोहल क्या होते हैं, एलिलिक एल्कोहल क्या होगा भाई, एलिलिक एल्कोहल के लिए आपको बताया गया था वे एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा हो, नहीं मतलब वे एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उसके ठीक बगल वाला, नहीं ठीक बगल वाला मतलब आगे, उसके ठीक बगल वाले कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड, या फिर जब डबल बॉन्ड है तो आपका संकरण भी बदल जाएगा, डबल बॉन्ड या फिर कौन सा हो sp2 संकरण। ठीक है, क्या कहा गया, जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है उसके ठीक बगल वाले कार्बन परमाणु पर यदि sp2 संकरण या डबल बॉन्ड आपको देखने को मिले, दोनों बात एक ही है, चाहे डबल बॉन्ड कहिए चाहे sp2 संकरण, दोनों बात एक ही है, तो वे हाइड्रोक्सिल समूह या फिर क्या होगा वे एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है उसके ठीक बगल वाले कार्बन परमाणु पर यदि sp2 संकरण कहलाएगा क्या, एलिलिक एल्कोहल। संयुक्तता पूरी कीजिए, एक दो बॉन्ड यहाँ पे लगेगा CH2 और यहाँ पर एक दो तीन बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे H। ठीक है, तो यह एक प्रकार का एलिलिक एल्कोहल है। ठीक है, एलिलिक एल्कोहल दूसरा आपके पास ऐसे भी आप लिख सकते हो, मान लिया हमने बना दिया साइक्लोपेंटेन ये और यहां से हमने लगा दिया OH। ठीक है, जब यहां से OH लगा दिया गया इसमें क्या होगा, इसका ठीक बगल वाला कार्बन, तो चाहे आप इस कार्बन पे या फिर आप इस कार्बन पे क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया यहां पर डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड लग गया तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, एलिलिक एल्कोहल। इसमें भी क्या है,
इसमें भी अगर देखा जाए इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण और इस कार्बन परमाणु पर आपको मिलेगा sp3 संकरण। इस कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। तो आपको पहचानना है एलिलिक एल्कोहल, पहचानना है एलिलिक एल्कोहल मतलब हो गया वे एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है अगर उसी के ठीक बगल वाले कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण या फिर डबल बॉन्ड आपको देखने को मिले वो कहलाएंगे आपका क्या? एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक भी हो सकते हैं, जैसे इसको हम प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल कह सकते हैं। क्यों? ये प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके साथ खाली एक कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ केवल एक कार्बन परमाणु लगा हुआ है जिसकी वजह से ये प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल भी कहलाएगा। अगला देखें, अगर हम इस H को हटा दें, ऐसे लिखा हुआ सी है H, ठीक है, अगला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये लिख दिया गया आपके पास क्या सी एच है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ लगा सी एच, एक एच हटाया, लगा दिया क्या एल्किल समूह, अर्थात एक कार्बन यहां पे लग गया, तो क्या हो गया जिस कार्बन परमाणु, इधर भी कार्बन हो गया, इधर भी कार्बन हो गया, इसी से हमने OH लगा दिया। ठीक है, एलिलिक एल्कोहल है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है उसके ठीक बगल वाले कार्बन परमाणु पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एलिलिक एल्कोहल है, लेकिन कैसा भैया द्वितीयक है। क्यों द्वितीयक है? क्योंकि जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो उसके इधर भी एल्किल समूह, इधर भी कार्बन, अर्थात क्या दोनों तरफ कार्बन परमाणु, आप एल्किल समूह लिखिए या फिर CH3 डाल दीजिए। तो ये हो गया द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल। अगला आता है क्या तृतीयक भी हो सकता है, एक एच को और हटा दीजिए आप, तो तृतीयक एलिलिक एल्कोहल कैसा हो गया, ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड सी, सी के साथ इधर भी एक एल्किल समूह लगाइए, इधर भी लगा दीजिए, और यहां पर क्या हो गया OH है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया तृतीयक कार्बन परमाणु होने के नाते ये कहलाएगा आपका तृतीयक एलिलिक एल्कोहल। कार्बन परमाणु कैसा हो गया तृतीयक, कार्बन परमाणु कैसा द्वितीयक, कार्बन परमाणु कैसा प्राथमिक। तो एलिलिक एल्कोहल पहले पहचानेंगे, एलिलिक एल्कोहल क्या होते हैं, क्या होते मैंने, जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है उसके ठीक बगल वाले कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड या फिर sp2 संकरण अगर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एलिलिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, ये प्राथमिक हो सकता है, अगर प्राथमिक कार्बन होगा तो प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल, अगर द्वितीयक कार्बन होगा तो द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल, अगर तृतीयक कार्बन हो गया तो कहलाएगा क्या तृतीयक एलिलिक एल्कोहल। अगला आता है आपका क्या होता है भाई, अगला आता है बेंजीलिक एल्कोहल। बेंजीलिक एल्कोहल क्या है, बेंजीलिक एल्कोहल देखिए, बेंजीलिक एल्कोहल क्या होते हैं, बेंजीलिक एल्कोहल का मतलब हो गया जिसमें जिस कार्बन परमाणु, बिल्कुल हर जगह भी बात आ रही, जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, ठीक है, जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा उसी कार्बन परमाणु पर एक कम से कम हमको बेंजीन रिंग ऐसे अगर देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेंजीलिक एल्कोहल। ठीक है, बेंजीलिक एल्कोहल वैलेंसी पूरा करेंगे, वैलेंसी कितनी हो गई, यहां पर दो बॉन्ड है, इसका मतलब क्या लिखेंगे सी और एच, नहीं लिख दिया जाएगा सी एच टू, दो बॉन्ड और दो, तो ये होगा आपका बेंजीलिक एल्कोहल। और बेंजीलिक एल्कोहल फिर से बांटा गया भाई कितने भागों में, तीन भागों में, एक हो गया प्राथमिक बेंजीलिक एल्कोहल, इसको प्राथमिक क्यों कहा गया भाई, ये प्राथमिक बेंजीलिक एल्कोहल है, क्यों, क्योंकि इसके साथ केवल एक कार्बन है, हाँ तो प्राथमिक कार्बन परमाणु है इस बेंजीलिक एल्कोहल में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं प्राथमिक बेंजीलिक एल्कोहल। अब फिर क्या हो गया, हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, बेंजीलिक एल्कोहल ही बनाया सी, लेकिन हमने एक एल्किल समूह और लगा दिया, अब ये बेंजीलिक एल्कोहल कैसा हो गया द्वितीयक हो गया, नहीं द्वितीयक क्यों हो गया, क्योंकि ये द्वितीयक कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ, ये प्राथमिक कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ, इसलिए इसको कहेंगे द्वितीयक बेंजीलिक एल्कोहल। अगला आता है आपका तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल, वो क्या हो सकता है, वो इस प्रकार से आपने बेंजीन रिंग लगाई, ये तो कम से कम एक फंडामेंटल होना ही है,
अगला हो गया कार्बन, कार्बन के साथ एक एल्किल समूह, अगला एक एल्किल समूह और यहां पर क्या हो गया OH। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन परमाणु से एल्कोहल जुड़ा वो तृतीयक कार्बन परमाणु है और उसी कार्बन परमाणु पे एक बेंजीन रिंग भी है, तो कहलाएगा क्या ये तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल। ठीक है, अगला आता है आपका क्या वर्गीकरण, अगला आता है sp2 संकरण के आधार पर। अगर देखें sp2 संकरण नहीं दिखाई पड़ेगा, बताइएगा sp2 संकरण के आधार पर। ठीक है, sp2 संकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, ये sp2 संकरण के आधार पर बांटा गया कितने भागों में, वैसे तो एक ही भाग है, कहलाता क्या वानिलिक एल्कोहल। ठीक है, sp2 संकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं क्या एक ही भाग है, वैसे एरिल एल्कोहल में भी sp2 संकरण होता नहीं, आता है वानिलिक वानिलिक एल्कोहल, वानिलिक एल्कोहल जो वानिलिक एल्कोहल होते हैं, वानिलिक एल्कोहल मतलब क्या हो गया, अब देखो बस अंतर इतना है क्या है? एलिलिक और वानिलिक में इतना अंतर है कि जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ था उसके ठीक बगल कार्बन पे नहीं क्या था, डबल बॉन्ड था, लेकिन क्या हो गया अब क्या करना, बस इस डबल बॉन्ड को खिसका करके इसे खींचने, तो बनने वाला कंपाउंड क्या बन गया, बनने वाला कंपाउंड बन गया इस तरह से CH। ठीक है, इसी से आपने लगा दिया OH को और इसी पे क्या लगाना आपको डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता आपका वानिलिक एल्कोहल। वानिलिक एल्कोहल में जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है उसी कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड हो, या फिर क्या कह सकते हैं इस पे संकरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल sp2 संकरण करें। तो कह सकते हैं क्या वानिलिक एल्कोहल कौन एल्कोहल होते हैं, वे एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ अगर उसी कार्बन परमाणु पे डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो sp2 संकरण हो, तो हम लोग क्या कहते हैं वानिलिक एल्कोहल। एक और एग्जांपल, जैसे साइक्लोपेंटेन वाला अगर देखें, साइक्लोपेंटेन है, हमने OH यहीं पे लगा दिया और यहीं पर OH लगने के बाद इसी कार्बन परमाणु पे हमको क्या करना है डबल बॉन्ड लगाना, नहीं आप साइक्लोप्रोपेन लेके चल सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन है इसी कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ इसी कार्बन परमाणु पे आपका डबल बॉन्ड भी हो जाए, तो ये सभी आपके पास कहलाएंगे क्या वानिलिक एल्कोहल। और जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु पे संकरण अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा sp2 संकरण, यहां पर भी आपको sp और 2 संकरण। ठीक है, तो ये बताता है आपके पास क्या वानिलिक एल्कोहल, ये बताता है कि भैया जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है अगर उसी कार्बन परमाणु पर क्या है डबल बॉन्ड या फिर sp2 संकरण हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे वानिलिक। तो ये एल्कोहलों का वर्गीकरण है। अगला आता है क्या, एक हम लोग फिनॉल पढ़ेंगे ना, फिनॉल एक प्रकार का sp2 संकरित ही कार्बन परमाणु है। यहाँ पे फिनॉल में कुछ अंतर नहीं है, फिनॉल में बस इतना ध्यान देना है कि फिनॉल क्या हो गया, फिनॉल में बेंजीन रिंग से, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं फिनॉल क्या होता है वो देखिए, फिनॉल क्या है, फिनॉल भी एक प्रकार का आपका क्या होगा एल्कोहल का है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह होने के नाते ये क्या होता है हाइड्रोक्सिल समूह इसमें सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। फिनॉल में अगर देखें हाइड्रोक्सिल समूह सीधे और सीधे बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक है, फिनॉल कहेंगे। इस कार्बन परमाणु देखो sp2 संकरण के अंतर्गत आप इसको क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस कार्बन परमाणु से लगा हुआ है उस कार्बन परमाणु पर अगर देखा जाए बेंजीन में ऐसे एकांतर नहीं अल्टरनेट करके क्या पाया जाता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अर्थात डबल बॉन्ड यहां पर है डबल बॉन्ड यहां पर है और डबल बॉन्ड यहां पर, तो इस प्रकार से आप देखें तो इस कार्बन परमाणु पे आपको क्या मिलेगा sp2 संकरण। तो ये होता है फिनॉल, फिनॉल में क्या होता है फिनॉल भी sp2 संकरण के आधार के अंतर्गत आ सकता है, इसमें क्या है बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है और जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है हाइड्रोक्सिल समूह उस पर कौन सा संकरण है sp2 संकरण। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर क्या है, इसको क्यों पढ़ा जा रहा है, इसका क्या वर्गीकरण है,
तो एल्कोहल फिनॉल ईथर को यह तीन प्रकार से बांटा जा रहा है। एक तो क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, कि हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी है, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर बांटा गया। दूसरा बांटा गया किसमें, sp3 संकर के आधार पर। तीसरा बांटा गया आपका उसका sp2 संकर के आधार पर। sp मतलब क्या होगा, अगर हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या देखी जाए तो हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर अगर एक हाइड्रोक्सिल समूह तो क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब होता है, मोनो मतलब होता है एक, हाइड्रिक मतलब होता है हाइड्रोक्सिल समूह। अगर एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल समूह आपको कहीं देखने को मिले सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर हमारे पास क्या हो गए, दो हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिले तो क्या कहलाएंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर हमारे पास तीन हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिले तो ट्राईहाइड्रिक, और जब क्या होगा मोर देन थ्री हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अगला हो गया क्या, sp3 संकर के आधार पर। हालांकि इसमें भी देखा जाए जिस कार्बन परमाणु पे है वो sp3 संकर ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास अगर देखा जाए sp3 संकर के आधार पर अगर बांटा जाए तो ये तो आता है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। फिर आपके पास आता है एक एलिक एल्कोहल है और एक बेंजिलिक एल्कोहल। अब sp3 संकर में कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, कार्बन परमाणु प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं, जिसके आधार पर क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल कहा गया। प्राथमिक एल्कोहल कौन होते हैं, वे एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु से, या फिर क्या होगा, यदि हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। कैसे पहचानेंगे प्राथमिक कार्बन परमाणु, प्राथमिक कार्बन परमाणु पहचानने का तरीका यही है कि भैया उसी कार्बन परमाणु के साथ एक एल्किल समूह कम से कम होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक एक एल्किल समूह। और ये हो गया द्वितीयक, अगर द्वितीयक कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उसको हम द्वितीयक एल्कोहल, अगर तृतीयक कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा तो सो तृतीयक। अगला आता है क्या, एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है, एलिलिक एल्कोहल में जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा उस पे तो क्या है, sp3 है, लेकिन उसके ठीक बगल वाले कार्बन परमाणु पर क्या होना चाहिए, sp2 संकर होना चाहिए। तो इस प्रकार से बनेगा आपका क्या, वो कहलाएगा एलिलिक एल्कोहल। अगला आता है क्या, द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल क्या होगा, एलिलिक एल्कोहल प्राथमिक भी हो सकता है, एलिलिक एल्कोहल द्वितीयक भी हो सकता है, एलिलिक एल्कोहल तृतीयक भी हो सकता है। फिर आया बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है, वे एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा होता है उसी कार्बन परमाणु पे कम से कम अगर एक बेंजिलिक देखने को मिले तो उसको कहेंगे बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल को प्राथमिक भी कह सकते हैं, द्वितीयक भी कह सकते हैं और तृतीयक भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला आता है क्या, sp2 संकर के आधार पर। और जब sp2 संकर के आधार पर इनको देखते हैं तो sp2 संकर के आधार पर कितना होता है, बिहार एक प्रकार कह सकते हैं या फिर दो प्रकार कह सकते हैं, एक तो फिनॉल हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है भैया, ये वायलिक एल्कोहल। तो वायलिक एल्कोहल क्या है, वे एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है उसी कार्बन परमाणु पर sp2 संकर या डबल बॉन्ड देखने को मिले उसको हम लोग क्या कहेंगे, वायलिक एल्कोहल। ये भी आपका वायलिक एल्कोहल है, ये भी वायलिक एल्कोहल और ये भी एक प्रकार का वायलिक एल्कोहल।